हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। तो जैसे हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो से पहले हमने इसमें 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नर्नेस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन, या जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो उसके समझने से पहले देखिए, आपको एक चीज़ समझने की इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल में, ठीक है। तो जैसे मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल बनाई है, ये रहा हमारा वोल्ट मीटर, ये रहा सॉल्ट ब्रिज, ये जिंक रॉड, ये कॉपर रॉड, ये है आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर हम इस डैनियल सेल के लिए इक्वेशन लिखे तो ये होगी जिंक प्लस में कॉपर आयन गिव कर रहा है जिंक आयन प्लस में कॉपर, ठीक है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा जो Cu की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी और जो जिंक की कंसंट्रेशन है, जिंक आयन की कंसंट्रेशन है, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एक चीज़ तो हम ये नोटिस करेंगे और दूसरी चीज़ हम क्या नोटिस करेंगे, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो भी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। अब डिक्रीज करती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम देखेंगे कि जो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट हो चुकी है और जो जिंक आयन की कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, ठीक है। और देखेंगे हम कि जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग आ रही है वो भी क्या आएगी, जीरो। मीन्स यहाँ पे जो हमारा सेल पोटेंशियल आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब Cu आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, जिंक आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और वोल्ट मीटर पे रीडिंग जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होगा, जो ई सेल होगा मीन सेल पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए, अब इसके लिए हम इस डैनियल सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसकी डेरिवेशन हम पहले ही लिख चुके थे कि जो ई सेल होगा मीन सेल पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के माइनस में 2.303 RT अपॉन में 2F और लॉग और यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन अपॉन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पे ई सेल क्या है, जीरो, तो हमने यहाँ जीरो कर दिया और इन सबको ऐसे ही रख दिया सेम टू सेम, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जो हमारा इतना पोर्शन था इसे हम ई नोड सेल के बगल में ले गए, मीन्स इक्वल के इस साइड ले गए। तो जो हमारा ए नोड सेल है मीन्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो इक्वल आ गया किसके, 2.303 RT अपॉन में 2F और लॉग इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ठीक है। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे ये दोनों चीज हमारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है तो हम इसे डिनोट कर रहे हैं KC से, जो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्यों कहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हमारी ये दोनों चीज़ भी कांस्टेंट हो जाएगी, जैसे हमने ऊपर अभी देखा था। और जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है गैल्वेनिक सेल का वो क्या होता है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी 1.1 वोल्ट, यहाँ पे हमारा 2.303 RT 2F लॉग और इस पूरे को हमने क्या कर दिया, KC। देखिए यहाँ पे क्या था, लॉग जिंक आयन अपॉन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, तो इसे हमने क्या कर दिया, KC, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अगर हम लॉग KC की वैल्यू निकाले तो क्या होगी, देखिए लॉग KC यहीं रह जाएगा, 2F ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2.303 RT नीचे आ जाएगा। तो जो देखिए जब हम RT और F की वैल्यू रख के इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। और जब हम इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा लॉग KC आएगा वो आएगा 37.288। अब देखिए हमें क्या करना है, KC फाइंड करना है। तो
तो लॉग को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग 37.288 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 × 10^37। तो जो हमारा केसी है मीन्स जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 × 10^37 के, ठीक है। ये तो बात हो गई डैनियल सेल की। लेकिन अगर हम जनरल में एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और केसी के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहें तो क्या होगी, वो होगी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल है किसके, 2.303 आरटी अपॉन में एनएफ लॉग लॉग केसी, ठीक है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन केसी एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताती है। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा चुका है कि राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो आपको यही इक्वेशन लिख के आनी है, ठीक है। सो एनसीईआरटी में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको थर्मोडायनेमिक्स की एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा वो इक्वल होगा डिक्रीज इन फ्री एनर्जी या हम कहें डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी के, ठीक है। अब एक और यहाँ पे छोटी सी बात है कि इफ डेल्टा जी ऑफ सिस्टम कम्स आउट नेगेटिव दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय सिस्टम, मीन्स अगर जो हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी है वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है या हम कहें जो हमारी सेल है वो इलेक्ट्रिक वर्क डन कर रही है, ठीक है। अब इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक वर्क डन होता है वो इक्वल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग की, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसके ईएमएफ के प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर हम मान लें कि हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा है एक सेल के अंदर तो जो क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वो इक्वल होगी 1 फराडे के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस लिखें इस इक्वेशन की तरफ से, मीन्स जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारी होगी एफ इंटू में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि ईएमएफ हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफ इंटू में ए सेल। तो जैसा हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किसके इक्वल है, माइनस में डेल्टा आर जी नॉट मीन्स चेंज इन गिब्स एनर्जी के। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई कि चेंज इन गिब्स एनर्जी किसके इक्वल है, एफ इंटू में ए नॉट सेल के, ठीक है। सो अब हम इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 मोल वहां पे इलेक्ट्रॉन भेजे थे, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं मीन्स एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी माइनस में डेल्टा आर जी नोड इक्वल में यहाँ एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कितने मोल इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं एन मोल। तो ये क्या हो गया एन एफ ई नोड सेल मीन्स एन इंटू में एफ इंटू में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए जैसे हमें मालूम है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है आर टी अपॉन में एन एफ और यहाँ नेचुरल लॉग केसी, जिसे हम अभी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। सो डेल्टा आर जी नोट क्या हो जाएगा फिर एन एफ इंटू में यहाँ पे हम ई नोट सेल की वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो गई आर टी अपॉन में एन एफ और नेचुरल लॉग केसी, ठीक है। तो यहाँ एन एफ से एन एफ कट गया और जो हमारा डेल्टा आर जी है वो क्या आ गया माइनस में आर टी नेचुरल लॉग केसी। अब देखिए जब हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 के लॉग में तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा आर जी नोट इक्वल में माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी, ठीक है। मींस जो हमारी चेंज इन गिब्स एनर्जी होगी वो इक्वल होगी माइनस में 2.303 आर टी लॉग केसी के, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल का, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए हों या इस वीडियो से जुड़ी कोई राय हो तो अपनी बातें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।